तुम सही कह रही हो रीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं मानता हूं। ये बात प्रीति को कौन समझाए? और कौन समझाए? नहीं बिल्कुल प्रीति मेरी कोई बात नहीं सुनती। अरे मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन कॉलेज में भी अपने प्यार का इतनी बार इजहार किया लेकिन हर बार बात उल्टी है। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने अपना फैसला ही बदल दिया। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो, चाहे लोग तुम्हारी और मेरी जोड़ी बनाने की कितनी भी कोशिश करें। लेकिन बात फिर भी उसके समझ में नहीं आई। अब मैं और कितनी कोशिश करूं? एक काम करो, कोशिश मत करो बल्कि कोई बात मत करो। गोविंद और अपने प्यार का जिक्र मत करो, बस जहां हो जाए वक्त है वो गोविंद को बुला पाएगी। अगर प्रीति इस वक्त तुम्हारी न हुई तो कभी नहीं हो पाएगी, और अगर ये वक्त निकल गया तो उसे गोविंद की यादों के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी, और अगर ये आदत पड़ गई तो उस पर छोटा मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो मैं भी समझता हूं लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं? कुछ मत करो, बस हेलो डब्बू बोल रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लोग बोला नहीं करते हैं, बका करते हैं। बको? क्या बकना चाहते हो? बकवास ये है कि बहुत चालाकी से उसे दीवाना से मत समझना, तुमने बहुत बड़ी बाजी मार दी है। मैं अभी भी उनकी आगे दौड़ का मालिक हूँ और उनसे ही ऑफिस। तुम बैठा मत करो, खड़े रहा करो, क्योंकि खड़े रहने से आदमी चौकन्ना रहता है। भागना मुझे नहीं पड़ेगा, नहीं खाना भागना तुम्हें पड़ेगा। इस भाग तुम्हें कोई चीज बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझ गई? नहीं समझी तो आकर मिलना तो मुझे है तुमसे कभी, और जल्द ही मिलूंगा, जल्द। हाँ जब भी वो इस तरह के फोन करता है तो समझो कि वो एक बहुत बड़े हमले की तैयारी है। प्रीति आई थी? प्रीति आई थी? हाँ प्रीति आई थी, कह रहे सपना था। सपने में प्रीति आई थी, कह रही थी कि मैं नहीं जाना चाहती प्रीति का घर। सपने में प्रीति से बात करके यू नो मैं उस इंसान के साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकती जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से सपनों में भी डरता हूँ। रुको रमोला, मैं डरता नहीं हूं प्रीति से, बस यही ख्याल मुझे खाया जा रहा है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। तो सफरिंग फ्रॉम गिल्ट आंट यू? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोस्त में किसी ना कोई रीजन मिलेगा जो ये प्रूफ करेगा कि प्रीति से शादी ना करके तुमने अच्छा नहीं किया, इससे शादी करके गलती। क्यों हो रहा है ये सब?
तुम लोगों की आदाश कितनी कमजोर खाए को है, नहीं पहचाना तुम? अरे इतनी बार तो मिले आप उन पैकेट किधर है जो तेरे भाई ने इधर छुपाया, इतनी देर से ढूंढ रहा है, किधर है पैकेट? मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं मालूम। 90 लाख का माल है, इतने सारे पैसों के लिए मैं 90 लाख लोगों की लाश भी छा सकता है, समझी? एक आदमी की कीमत कितनी होगी? 1 लाख होगी ना? हेलो हेलो हेलो, क्या ये प्रीति का ही घर है? देखिए मैं पूजा बोल रही हूँ, इस इज प्रीति नंबर, प्रीति का घर है ये? भाई सवाल पे सवाल करती जाओगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मेरे जवाब देने के लिए तुम्हें थोड़ी देर चुप रहना होगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रीति का फादर बोल रहा हूँ। अंकल अंकल मैं पूजा बोल रही हूँ, मैं प्रीति के साथ कॉलेज में थी, मेरी प्लीज उससे बात करा दीजिए। हाँ हाँ बेटा बुलाता हूँ, पर तुम कुछ घबराई हुई हो, सब ठीक तो है? प्लीज प्रीति को बुला दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बेटा बुलाता हूँ। फोन है तुम्हारे लिए, पूजा का। पूजा को? तो पूजा को भूल गई, वो जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी? ओ वो वाली, हमारी वाली पूजा, मुझे लगा पता नहीं कौन सी पूजा, वही ना जो गोविंद के। हेलो हाय पूजा। हेलो हेलो प्रीति, मैं पूजा बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में प्रीति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्यों क्या हुआ? क्योंकि मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है और उसको बहुत बुरी तरह से लेबर पेन्स हो रहे हैं, घर में इस वक्त कोई नहीं, मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे लेकर जाऊँ, क्या करूँ मैं? हाँ तो सोच क्या रही हो, कौन से हॉस्पिटल में रजिस्टर करवाया? पहले भी हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरा भाई था। जा एक मिनट होल्ड करना। हाँ दीदी बस एक मिनट। हेलो प्रीति, घर में कोई भी नहीं है, गोविंद भी नहीं है, वो अपने हनीमून पर गया हुआ है। आई एम सो सॉरी। नो इट्स ओके, बोलो। प्रीति मैंने रोहन का भी फोन ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे बताओ क्या करना है। मैं अकेली ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तुम भी हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हें
काम करो, तुम्हारी दीदी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं पहुंच गई। बेल भी नर्सिंग होम ना आल बी देयर। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। बाय। क्या हुआ? वो आ रही है दीदी। आप चलो, पापा पूजा का फोन था। ऑफ कोर्स यू नो उसके बहन के लेबर पेन्स शुरू हो गए, वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही है, मैं भी हॉस्पिटल जाती हूँ। ठीक है, मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्यों नहीं जा सकती? अभी दीपा नहीं लौटी और पता नहीं उसे कितनी देर हो जाएगी उसके कॉलेज फंक्शन को। सो आई विल वेट। तो शायद शायद उसे लौटते हुए देर हो जाए। हाँ तो लेकिन आ जाएगी, तुम जाओ। हाँ मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अभी एक महीना भी नहीं हुआ आपको हॉस्पिटल से। इस एक महीने में इस दिल ने काफी कुछ झेल लिया है, इसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। दीपा आ जाए फिर चलते, ठीक है? देखो पागल मत बनो, उस पूजा को काफी जरूरत है तुम्हारी, वो फोन पे घबराई हुई थी। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। देखो इस जाने वाली जान की फिक्र मत करो, उस आने वाली जान की फिक्र करो जिसे तुम्हारी जरूरत है। अगर आप इस तरह बात करने वाले हैं तो मैं नहीं जाती। देखो तुम नहीं जाओगी ना तो मुझे अफसोस होगा और दिल पर एक बोझ रहेगा जो नहीं रहना चाहिए। तुम जाओ, मैं वादा करता हूँ कि जब तुम वापस आओगी तो मुझे सही सलामत हट्टा कट्टा वन पीस में पाओगी। संभाल के भैया, कुछ नहीं हुआ दीदी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड प्रीति तुम आ गई। अभी अनु दीदी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तुम इतना क्यों टेंस हो रही हो? तुम्हें पता था ना वो ड्यू है। मुझे मालूम था, लेकिन वो गुंडे फिर से घर पर आ गए। फिर आ गए? हाँ, वो समझते मेरे भाई ने कहीं पैकेट छुपा के रखा, उसी के बारे में पूछ रहे थे। समझा क्यों नहीं देती? तुम्हें नहीं पता? मैंने उनसे कितनी बार कहा कि आई डोंट नो। उसी बहसबाजी में दीदी को दर्द शुरू हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। गोविंद भी नहीं है, वो हमेशा मेरी मुसीबत में काम आता, बट ही इज गॉन फॉर हिज हनीमून। इट्स ओके, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम बहुत टेंस लग रही थी फोन पर। सो प्रीति, तुम्हें गोविंद की शादी का दुख तो बहुत हुआ होगा ना? नहीं रे, कोई दुख नहीं हुआ था। मेरी तो समझ में नहीं आता कि गोविंद तुम्हारे बारे में अपनी फैमिली से कुछ कह क्यों नहीं पाया, क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गोविंद उसको इतनी हिम्मत से इतनी मर्दानगी के साथ हैंडल करता है कि आई कांट इमेजिन कि वो तुम्हारे बारे में अपनी माँ के सामने एक लफ्ज नहीं कह पाए। और तुम देखना, वो कभी भी इस शादी से खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि रमोला उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी माँ की एक रिप्लेसमेंट है। रमोला उतनी डोमिनेटिंग है जितनी कि उसकी माँ है। ये भी तो हो सकता है कि गोविंद ने मुझसे इतना प्यार ही ना किया हो कि उसे अपनी माँ के खिलाफ जाने की जरूरत पड़े। इट्स क्वाइट पॉसिबल, इज़न्ट इट? That's impossible. Govind ne tumse pyar kiya. Why are we talking about this? Govind ke bare mein baat karne se kya fayda? Wo chapter khatam ho chuka hai, kahani ka ant ho chuka hai. Prem kahaniyon ka koi ant nahi hota, kyunki pyar ka koi ant nahi. Ab dekho na, tum aur Govind jab college mein the, ek dusre se pyar karte the, saath saath ghumte phirte the, kitne khush the. और अब तुम दोनों अलग अलग रहते हो, एक दूसरे से मिलते नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्यार खत्म हो। प्यार अपनी जगह, पहले प्यार की वजह से खुश रहते थे और अब प्यार की वजह से दुखी हो, रोते हो। प्यार अपनी जगह, प्यार एक शादी जैसे छोटे से हादसे से खत्म नहीं हो। मेरा दिल बहलाने के लिए क्यों कह रही हो, जबकि तुम भी जानती हो जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। पूजा, गोविंद ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, प्यार मैंने किया था। गोविंद वॉज इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। वो प्यार करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये सोसाइटी या रूल्स रेगुलेशंस या ये दुनिया उनके खिलाफ नहीं जीत सकती। रिलेशनशिप कैन वर्क इफ दे वॉन्टेड टू वर्क। गोविंद ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। एंड व्हाई द हेल एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? चलो अनु को देखते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को अपने घर से बुला लिया। नेवर माइंड, चलो।
बेटा इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। देखो अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाले थे, और जो पैसा बिजनेस में लगता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नहीं डब्बू, बात पैसे की नहीं है, बात है धोखे की। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे धोखा दो। तुम मुझसे कह सकते थे अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन नहीं, मुझे कहना तो दूर, तुमने तो चेक भी धोखे से साइन करवाया है। छे, अब ये बताओ डब्बू कि तुमने उन पैसों का क्या किया। प्रिया, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, कल ही मार्केट से पैसा उठाकर तुम्हारे पैसे में लौटा। अब जाओ सो जाओ। नहीं डब्बू, पैसे तो तुम ला दोगी, लेकिन जिस बात का मुझे शक है तुम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कौन सी बात? यही कि आजकल किसी नई लड़की के चक्कर में और उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदार भी बनाना चाहते हो। ये तुमसे किसने कहा? रेवानाथ? इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि जिन गहनों की चोरी हुई है और जिनकी चोरी रेवानाथ ने कबूल की है, वही गहने तुमने रेवानाथ से लेकर उसी लड़की को वापस दिए। ये भी रेवानाथ ने ही तुमसे कहा होगा। तुम हर बात को रेवानाथ पे क्यों ले आते हो? क्योंकि हर बात की शुरुआत रेवानाथ से होती है। और अब जब तुमने पूछ लिया है कि मैंने उन पैसों का क्या किया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, प्रिया इस सवाल का जवाब इतना ही नहीं। ड्रिंक मुझे नहीं पिलाइएगा डैड? क्यों नहीं, तुम तो इस घर के दामाद हो, तुम्हें कौन मना कर सकता। वैसे डैड, दिल तो आपका मुझे जहर पिलाने को कर रहा होगा। तुम अपने बारे में इतनी सही जानकारी कैसे रखते हो डब्बू? ऐसी बहुत कुछ जानकारियां हैं जिनकी आपको खबर नहीं। खैर, डैड पवाई वाला बंगला कब तैयार हो रहा है? क्योंकि प्रिया और मैं उसी हिसाब से वहां शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, बात ये हुई थी कि हम ऑफिस शिफ्ट करेंगे और तुम उस टर्नर रोड वाले घर में शिफ्ट करोगे जहां पे इंटीरियर रेडी है। टर्नर रोड वाले फ्लैट का इंटीरियर रेडी है, दैट गुड न्यूज़ डैड। क्योंकि फिर गोविंद और अमोला जैसे हनीमून से लौटते हैं तो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि प्रिया और मैं तो हवाई वाले बंदे नहीं थे।